बोले तक नहीं छोड़ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बोले तक नहीं छोड़ना, बस एक साइड से तो ये बात कर रहा हूँ मैं मोती नगर से। मेरे खलेरे भाई का इंतकाल हो गया था, मेरे भाई साहब ने कोशिश करे मल्लापुर में, मल्लापुर में कोशिश करे, वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं निज़ाम भाई को बोला, निज़ाम भाई ने फिर यहाँ पर समीर भाई को बोला, तो समीर भाई और निज़ाम भाई मिल के यहाँ उस्मानपुरे में जगह का इंतजाम किया और पूरा मुकम्मल पूरा दुबली शाह साहब के कब्रिस्तान में पूरा मुकम्मल उन्होंने ताउन करे और उनके हम शुक्रगुजार है। और वखबोड वाले जो कब्रिस्तान है मुसलमानों के, मुसलमानों की जगह नहीं है तो किसको, अकायद खम वाले मुसलमानों को जगह करें। अभी अगर सलीम साहब रहे कि इन्हों रहे कि इन्होंने कुछ भी नहीं करें मुसलमानों को, ऐसा करें तो मुसलमानों का क्या हाल होगा। तो आप समीर साहब और मैं शुक्रगुजार हूँ समीर साहब का और निज़ामुद्दीन भाई का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ बुदरी शाह के दरगाह के कब्रिस्तान में आज हम यहाँ एक जिनका इंतकाल सुबह कल सुबह में उस्मानिया हॉस्पिटल में हुआ था, जिनके कोई नहीं थे और वो कहीं रामनगर हैदराबाद के रहने वाले थे, तो इसकी इत्तला मेरे को और हमारे भाई निज़ामुद्दीन साहब जो TPCC स्पोक्स पर्सन है हमको इत्तला मिली और हम लोग यहाँ पे उनके लिए काफ़ी कब्रस्तानों में अरेंजमेंट करने की कोशिश किए। उनके ख़ानदान वाले, उनके भी लोग जो इनके पहचान वाले थे, वो लोग भी काफ़ी कब्रस्तानों में कोशिश किए मगर कहीं पे भी उनको ख़बर देने से इनकार करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम बुदेला शाह के दरगाह के कब्रस्तान पे आए तो यहाँ के मुतवल्ली साहब हमार को कोऑपरेट करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख़बर का यहाँ पे इंतज़ाम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर उनका गुस्ल वगैरह करके, उनकी नमाज जनाजा हम लोग यहाँ पे अदा करके उनकी तदफीन करे। कल भी एक वाकया हुआ जिसके अंदर एक मुसलमान साहब जो कहीं गांव के रहने वाले थे, उनका यहाँ हैदराबाद में इंतकाल हुआ। बिल्कुल नॉर्मल डेथ थी, ऐसा भी नहीं कि कोई कोरोना वायरस की डेथ थी। वो काफ़ी, उनका बेटा 3 से 4 कब्रस्तानों को फिरते रहा और जहाँ के सारे मुतवल्लियों से रिक्वेस्ट करे कि भाई खबर दो, तो कोई मुतवल्ली देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक क्या उनका बेटा बोलते कि पाँव पड़ा उन मुतवल्लियों की, बोला या मेरे एक बार मेरे वालिद को ख़बर दे दो ना, मैं ना मेरी वालदा कोई आएंगे यहाँ पे आके, कोई आगे से कोई जगह नहीं पूछेंगे, तो भी कोई हमारे हैदराबाद के कब्रस्तानों वाले मुतवल्लियाँ जो है सो जगह नहीं दिए। उसके बाद हमारे हिंदू भाइयाँ जो है सो उनको शमशान घाट में, बोले एतराज़ नहीं है तो उनको वहाँ पर जगह दिए। उसके बाद उनकी तदफीन शमशान घाट में हुई। मैं सलीम साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप दो टर्म, आप ये दूसरी बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के आखिर कर रहे हैं क्या? अगर आपसे वक्फ बोर्ड नहीं संभल रहा तो आपको कुर्सी छोड़ दीजिए, रिजाइन करिए। आपका काम है कि नींद में से उठिए, जागिए और इमीडिएटली, ये क्या हादसे हो रहे हैं जो आपके कब्रस्तानों में जगह नहीं मिल रही? ये कब्रस्तान किसी की मिल्कियत नहीं है, आज ये मुतवल्लियों की मिल्कियत कैसा हो गई? कब्रस्तानों में जगह नहीं दे रहे, मुतवल्लियां अपनी जागीर समझ रहे हैं इसको। आप नींद में से जागिए सलीम साहब और इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये जो मुतवल्लियां इनकार करे, इन पे एक्शन लेके इनको इमीडिएटली सस्पेंड करिए। आप एक्शन लीजिए वरना हमार को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा कोर्ट को जाके। ये आपकी या किसी मुतवल्ली की जागीर नहीं है, ये सारे मुसलमानों के फायदे के लिए वक्फ की भी जागीर है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली एक्शन में आइए। शुक्रिया। उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर एक सलीमुद्दीन सिद्दीकी नाम का इंतकाल हुआ, वो मल्लापुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर कल सुबह उनका इंतकाल हुआ था, कल शाम तक किसी को इत्तला नहीं थी, उनके बीवी बच्चे कोई भी नहीं है। तो उनके जो भी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार कल शाम में आके उस्मानिया हॉस्पिटल में देखे तो ये मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हुआ। तो वो लोग सुबह से तैयारी कर रहे, सुबह से कोशिश कर रहे कि जो है ना वो मल्लापुर के रहने वाले, मल्लापुर के अंदर जाकर कब्रस्तान में पूछे तो बोले कब्रस्तान में हम जगह नहीं देंगे, आधार कार्ड ला लो उसी एरिया का, अगर है तो हम देंगे ना तो नहीं देंगे। आज ये ऐसा माहौल हो गया कि जो है कोई भी कब्रस्तान के अंदर, अगर वो एरिया के है तो ही दिया जा रहा,
वरना किसी को ये नहीं दिया जा रहा, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आज इनका इंतकाल हुआ, कल हमारा होता, कल जो है ना जो कब्रस्तान में जगह नहीं दे रहे उनका भी इंतकाल होता, कि ये हर एक के साथ हर एक को खबर के अंदर जाना है। तो आज जो है इंसानियत कहाँ गई वो समझ में नहीं आ रहा। आज जो है सुबह से वो लोग परेशान परेशान फिर रहे, उसके बाद वो लोग मेरे को अप्रोच हुए, मैं हमारे दोस्त समीर भाई और सब मिलकर जो है ना यहाँ पर बुदेली शाह के कब्रस्तान के अंदर लाके उनकी तकफीन करें। देखिए आज वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जहाँ पर गरीब गुरबा के लिए कई प्रॉपर्टीज़ वक्फ किए गए हैं। आज जितने कब्रस्तान हैदराबाद के अंदर वो तमाम कब्रस्तान जो है वक्फ बोर्ड के तहत ही जो है ना यहाँ पर है। तो ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कोई भी कब्रस्तान के अंदर कोई भी अगर जाके बोल रहा कि जो है ना हमारे घर में इंतकाल हो गया और हम जो है ले आ रहे हो, तो ये एरिया के नहीं आप कहाँ ले आते, ले जाओ, ऐसा आलम हो गया, सुबह से शाम तक लेके डेड बॉडी लेके फिरने का हुआ। कल भी जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक हिंदू भाई ने आगे बढ़कर बोला के जो है ना वो तीन कब्रस्तानों को फिरे, तीन मुतवलियों से बात करे, बात करने के बावजूद भी जो है ना मुतवली बोले कि हमारे एरिया के नहीं है, गदवाल के है और गदवाल में जाके उनको तदफीन करो बोल के बोल दिए। बोलने के बाद वो लोग बोले कि उनका बेटा बोला कि मैं पैर पड़ता हूँ, मेरे बाबा को जगह दे दो क्योंकि मैं गदवाल तक ले आ सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है लाने के लिए बोल के बोले, तो कोई आगे बढ़ के नहीं आए। उसीलिए उसके बाद में एक हिंदू जो जिनका नाम संदीप है, मैं वो हिंदू भाई को सलाम कर रहा हूँ, वो हिंदू भाई है और एक जो है ना उनके साथ कोई कारपेंटर शंकर बोल के है, ये दोनों मिलकर बोले कि अगर आपको इतराज नहीं है तो हम हिंदू के शमशान घाट के अंदर हम आपको जगह देते, आपको इतराज नहीं है। वो तो मजबूरी के साथ मुसलमान आदमी कब्रस्तान के अंदर जगह देने से इनकार करा, लेकिन हिंदू भाई ने आगे बढ़कर शमशान के अंदर वो मुसलमान भाई को तकफीन किया। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी अफसोस की बात है। मैं पूछना चाह रहा हूं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, आप क्या कर रहे, आप एक नहीं दो दो बार आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं आप आए दिन जो है ना ये प्रॉब्लम्स, कोई किसी की बॉडी अगर किसी का इंतकाल हो जा रहा, अगर उन्होंने गांव से आ रहे, ये कोरोना का टाइम है, यहाँ पे पूरा सिटी लॉकडाउन है, लोग यहाँ से इतनी दूर तक नहीं ले आ सकते, उनकी मजबूरी है, लेकिन मुतवल्ली जो भी है उसको इनकार कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इसके इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं सलीम साहब से क्लियरली बोल रहा हूँ कि जो है ये क्या हो रहा, वक्फ बोर्ड के ये पूरे जितने कब्रस्तान है पूरे वक्फ बोर्ड के आयते के अंदर आते, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आते, इसके बावजूद भी जो है ना वक्फ बोर्ड इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहा, ये बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए।